हेलो सो मेरा विजय। सो ये मेरे पास में एचपी का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता एचपी पवेलियन 14 X360 लैपटॉप, जो कि एक 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप है, जिसको कि आप एक टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आता है 11th जनरेशन इंटेल के कोर प्रोसेसर्स के साथ में। i3, i5 और i7 तीनों ही वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। 12th जनरेशन दोस्तों अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे, तो यहाँ पे 11th जनरेशन अभी अभी जस्ट अवेलेबल हुआ इंडिया में। बहुत टाइम से शॉर्टेज चल रही थी इस लैपटॉप की, मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया तुरंत ही अमेजोन इंडिया से इस लैपटॉप को, विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ SSD स्टोरेज, जिसका लिंक भी मैं यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में दोस्तों फुल रिव्यू कराया मैंने आपके साथ शेयर इसी लैपटॉप का एकदम डिटेल में, जिसके लिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एचपी पवेलियन X360 की डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे देख के इस लैपटॉप को आपको लगेगा कि मेटल यूज करा गया है सिल्वर कलर का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन टच करके भी बहुत लोग यहाँ पे मिस कर जाएंगे कि मेटल है या प्लास्टिक है, जब तक आप इसको कुछ इस तरह टैप नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक की आवाज आ जाती है। साइड में दोस्तों यहाँ पे मेटल यूज करा गया है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, काफी ड्यूरेबल बना देता है इस लैपटॉप को। लेकिन फ्रंट में और इवन बैक में भी यहाँ पे हमें प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है। और एक जगह यहाँ पे मेटल यूज करा गया है, वो है कीबोर्ड डैक एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली इस बार टिल्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट जनरेशन में हमें टिल्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है और एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा देगा ये कीबोर्ड। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल ओयू की, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसके पास में टाइप सी पोर्ट है, जो कि 3.2 को सपोर्ट करता है, आउटपुट भी सपोर्ट करता है यहाँ पे, जिससे कि आप एक्सटर्नल डिस्प्लेस भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पास में फैन है लेफ्ट साइड में है, तो काफी अच्छी हीट मैनेजमेंट दे देगा आपको। उसके पास में 3.5 mm हेडफोन जैक है आपके हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। उसके पास में यहाँ पे पावर पोर्ट दे रखा है इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके पास में यहाँ पे 3.2 USB-A पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट आउटपुट और इनपुट सपोर्ट कर लेता है। उसके पास में यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि माइक्रो SD कार्ड है, मतलब आपका जो छोटा वाला SD कार्ड रहता है मेमोरी कार्ड, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। एक IPS पैनल है, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। मैं इस डिस्प्ले के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ब्राइटनेस की दोस्तों अगर बात करें तो 250 निट्स की ब्राइटनेस है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इसको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन IPS डिस्प्ले है तो यहाँ पे ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस करके दे देती है दोस्तों डिस्प्ले। NTSC दोस्तों 45% का निकल के आ रहा है, बहुत ही रिसेंट Adobe RGB भी निकल के आ रहा है इस डिस्प्ले के साथ में। एक रोटेटेबल डिस्प्ले है, मतलब आप इसको कुछ इस तरह टिल्ट करके एक टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं टैबलेट मोड ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपका जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ट्रैकपैड यहां पे डिसेबल नहीं होता है, तो एक्सीडेंटली कई बार यहां पे ट्रैकपैड को आप टच कर सकते हैं मिस्टेकनली। टच स्क्रीन दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं लेनोवो फ्लैक्स 5 के साथ में, जो कि मैंने बहुत पहले रिव्यू कर दिया 11 जनरेशन के साथ में, वो यहां पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ टच स्क्रीन। अगर आप दोस्तों लेनोवो फ्लैक्स 5 का रिव्यू चाहते हैं डेडिकेटेड इस लैपटॉप के साथ में, मतलब कंपेरिजन, तो वो मैं ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। दोनों ही अपने रेंज में बहुत ही एक अच्छे टच स्क्रीन लैपटॉप्स हैं। ये वाला दोस्तों बहुत ही एक रिस्पॉन्सिव टच प्रोवाइड करा देता है, और इसको एक टच स्क्रीन लैपटॉप की तरह यूज करने के लिए आप कुछ इस तरह भी इस एंगल से भी यूज कर सकते हैं, और इसको ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें डिस्प्ले के मामले में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों एक दुखद बात यह है कि पेन हमें बॉक्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि HP सेपरेटली सेल कर रहा है इंडिया में तो बहुत टाइम से, और इवन दुबई में भी अभी पेन सेपरेटली यहाँ पे सेल करने लग गया है। मैंने इस लैपटॉप को बाय द वे दुबई में ऑर्डर करा था फ्रॉम Amazon, और इंडिया के Amazon का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 72-73,000 तक का इंडिया में अवेलेबल है Amazon के ऊपर, विच इज अ वेरी गुड प्राइस, बिकॉज यहाँ पे 16 GB रैम वाला वर्जन मिल रहा है विद 512 SSD, विच इज वर्थ इन्वेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे रैम आप इस लैपटॉप के साथ में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, इवन SSD भी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो 16512 विल बी द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। i5 11th जनरेशन इज अ क्वाड कोर प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में ना, तो एक बैकलिट कीबोर्ड है, मतलब बहुत ही एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस होने वाला है इवन डिम लाइट में भी, बिकॉज आप कीज को इजीली देख पाएंगे अगर आप टच टाइपिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें नीचे की साइड में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मेरे वाले लैपटॉप में मिसिंग है, लेकिन इंडिया में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आ रहा है,
जिसका नीचे लिंक मैंने दिया है, वो भी फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आ रहा है। एचपी का चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है और कीज प्रेस करने में काफी अच्छा ट्रेवल भी देती है और बहुत टेक्टाइल भी लगती है बहुत सॉफ्ट फिनिश के साथ में। उसके नीचे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीशन ड्राइवर्स के साथ में ट्रैक पैड है जो वो बहुत अच्छा ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। इवन विद मल्टी फिंगर्स बहुत ही ईजिली बहुत ही स्मूथली आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं इसी ट्रैक पैड के साथ में। दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया के लिए साउंड की ना, तो इस लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं वो ट्यून करे हैं बैंग एंड ओलफसन ने जो कि एक साउंड की कंपनी है, काफी अच्छा बेस निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप दोस्तों ये ऑडियो सुन सकते हैं जो कि मेरी एक वीडियो की है। पास में एक केक जो कि आज हमारे चैनल के 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में कटेगा। तो गाइस एक्चुअली मेरा इस वीडियो को बनाने का प्लान था जब हमने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे। अब दोस्तों बात करते हैं वेबकैम के बारे में इस लैपटॉप के, तो एक 720p का हमें वेबकैम देखने के लिए मिल जाता है, रेजोल्यूशन है 0.9 मेगापिक्सल का और यहाँ पे दोस्तों डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस निकाल के दे देता है। लैपटॉप्स के वेबकैम ना दोस्तों इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं किसी भी लैपटॉप में, सेम गोज विद दिस लैपटॉप, लेकिन अच्छी बात यह कि ऑडियो बहुत अच्छी पिक कर लेता है जो कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट फुटेज में। सो गाइस दिस इज अ वेबकैम टेस्ट फॉर एचपी पवेलियन लैपटॉप एंड द साउंड व्हिच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लैपटॉप, सो लेट मी नो हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑडियो एंड द वीडियो क्वालिटी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एचपी पवेलियन X360 लैपटॉप। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस। तो ये लैपटॉप आता है इंटेल के i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में जो कि एक 4-कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये लैपटॉप निकाल के दे देता है। गीकबेंच दोस्तों मैंने टेस्ट करा तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही में बहुत ही एक पावरफुल स्कोर्स निकाल के दे दिए हैं इस लैपटॉप ने, इजिली किसी भी पावरफुल लैपटॉप को बीट करने के काबिल है ये लैपटॉप। आयरिस एक्सी ग्राफिक्स के साथ में आता है तो ग्राफिक्स के मामले बहुत शानदार स्कोर्स निकल के आ जाते हैं। इवन जब मैंने यहाँ पे 3D बेंचमार्क रन करा इस लैपटॉप का तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बहुत ही एक डिसेंट स्कोर्स निकाल के दे दिए इस लैपटॉप ने। तो अगर आप किसी भी काम के लिए इस लैपटॉप को लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं लाइट वीडियो एडिटिंग करते हैं गेमिंग करते हैं तो भी आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज नोट टेकिंग का भी यहाँ पे एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको होम यूज के लिए चाहिए तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज i3 ऑप्शंस के साथ में भी आता है तो होम यूज के लिए एंट्री लेवल लैपटॉप भी ये बन सकता है। उसके बाद अगर आप पावर यूजर हैं बोर्डिंग वगैरह करनी होती है लैपटॉप के साथ में डिजाइनिंग करनी होती है तो आप इसके i7 वर्जन को भी चूज कर सकते हैं बिकॉज i3 i5 और i7 तीनों वर्जन के साथ में ये लैपटॉप अवेलेबल है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वर्जन का दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। 16GB की दोस्तों रैम देखने के लिए मिल जाती है फॉर द i5 एंड i7 वर्जन, तो बहुत ही एक अच्छा अमाउंट ऑफ रैम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये लैपटॉप जज करता है इस प्राइस को, 73,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में अवेलेबल है फॉर द i5 वर्जन विद 16GB ऑफ रैम विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज रैम कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग फॉर द i5 वर्जन। टच स्क्रीन भी है यहाँ पे तो बहुत ही एक अच्छी डील यहाँ पे बन के आ सकती है। वो i3 वाला वर्जन भी अगर आप एक बिगनर है तो जरूर से कंसीडर कर सकते हैं इस लैपटॉप का। मुझे ऐसा लगता है कि i7 वाला वर्जन थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज उस प्राइस में हमें और भी अच्छे लैपटॉप देखने के लिए मिल जाते हैं, बट i3 एंड i5 वर्जन आर द बेस्ट वन दैट यू कैन गो फॉर। इसी रेंज में दोस्तों X360 जो लैपटॉप्स हैं बाकी और भी आ जाते हैं ब्रांड्स के, जैसे कि Lenovo Flex 5 एक बहुत ही एक अच्छा लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप के साथ में उसका कंपैरिजन मैं जल्दी से ड्रॉप कर दूंगा। वैसे अगर आपको Lenovo Flex 5 का फुल रिव्यू देखना है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये लैपटॉप आता है 43 वाट आवर की बैटरी के साथ में जो कि इजीली 5 to 6 आवर की बैटरी लाइफ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा देती है और नॉर्मल यूजेज मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स खोलने के साथ और एटलीस्ट एक टाइम में 3-4 एप्लीकेशन करोगे तो नॉर्मल यूज कहलाएगा, उसके साथ यहाँ पे 5-6 आवर्स की बैटरी लाइफ इजीली इस लैपटॉप के साथ में निकल के आ जाती है जो कि इस लैपटॉप को काफी अच्छा ऑलराउंड पैकेज बना देती है। एंडिंग लाइन्स पर दोस्तों मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज है एज आई सेड स्टूडेंट के लिए, होम यूज के लिए, इवन ऑफिस यूज के लिए, और अगर आप एक पावर यूजर हैं तो i7 वर्जन कंसीडर कर सकते हैं इस लैपटॉप का। हर चीज के लिए यहाँ पे एक ऑल इन वन परफेक्ट लैपटॉप एचपी पवेलियन X360 निकल के आ जाता है। अगर आपको अभी 2-3 महीने में परचेस करना है तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं 11th जेन वर्जन को, अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं तो 2 या 3 महीने में इजीली अवेलेबल हो जाएगा 12th जनरेशन प्रोसेसर, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।